ये रिएक्शन दिखाओ। हाँ जी पापा आ जाओ, घर में आ जाओ। मामा का शॉकिंग रिएक्शन नहीं कह रहा था, कैमरा हट गए। शक्ल तो दिखाओ पहले। हाँ जी तो यहाँ मम्मी की हमारी बात हुई थी, मम्मी को इतनी मुश्किल है, एक दिन का बना के रहते प्लान कि एक दिन के लिए चलो, मम्मी चल नहीं रही थी। अब मम्मी का दूसरा दिन आने का प्लान है, बिल्कुल है। नहीं मेरा लक्की आगे तो मैं यहाँ नहीं रुकूंगी। अब आप घर जाओ का घर जाना था। मैंने पहले ये बार बोल दी थी कि आप देखना घर नहीं आओगे। ये इतना बड़ा सस्पेंस मिला, मन खुश हो गया कि हमारा बच्चा हमारे के पास आ गया। हाँ भाई क्या रिएक्शन है? बताया नहीं ये रिएक्शन है मारने का। और अभी हम थोड़ी देर पहले कोई ना कोई डिसाइड कर रहे थे कि लक्की आएगा, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, लेकिन लक्की तो अचार, लक्की ने हमें ही सस्पेंस हमें दे दी, हमें सरप्राइज दे दिया। तो क्या रखिए मुझे पता है, सोचा कि हम पार्किंग में ना खूब अच्छी डेकोरेशन करवा के ढोल वगैरह बजाएंगे करेंगे, लक्की का वेलकम हम तब करेंगे। चलो कोई नहीं, अचानक हमारा ही वेलकम यार, मेरा वेलकम करता हूं सब। ब्लॉग में वेलकम होगा आपका। वो नहीं मिलता जो मैंने रिएक्शन मिला ना, एकदम वही चीज नहीं मिलता। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू, थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू। तो यहाँ इतने टाइम बाद इनका खाना पीना हो रहा है, लक्की भाई का, हमारा तो होते रहता है। छोले भटूरे के साथ भाई, टेस्ट बताया जाए इतने टाइम बाद। ठीक था या मासी की मम्मी ने बता दिया कि आ जाओ, मासी को भी सरप्राइज मिलेगा। मासी को हमने बताया नहीं कि लक्की आ गया है, मासी को भी रिएक्शन, मासी का रिएक्शन लेंगे उसका, भी बुलाया किसी बात। आज मेरे को वीडियो कॉल करियो कि आ जाओ। चलो अब रिएक्शन लेंगे मासी का भी। रिएक्शन हम इसको सरप्राइज देने की सोच रहे थे, इसने हमें सरप्राइज दे दिया। तूने कहा था ना तेरे आएगी जब तेरे साथ ही वैक्सीन देने जाऊंगा, मम्मी ने आपको थोड़े दिन पहले बताया कि बढ़िया हमारे साथ। मैं कल बुआ कह रही थी, बुआ लक्की आएगा ना उसको वेलकम पार्टी देंगे, लक्की ने हमें सरप्राइज दिया। चलो बात ही तो कर। चलो फाइनली आपको पहले बता नहीं था क्या? मम्मी का फोन आया था अभी मुझे। अच्छा मेरा फोन आ रहा है, लक्की आया, मैं भक्ति में आई हूं तैयार होके। रिंपल जी भक्ति में चाहिए अभी, यहाँ पे आप सबका ढोल बज गया, यहाँ पे आप सबका ढोल बज गया। फिर अब आ रहा भाई मिलने से, आते साहिल आते जूते मन मांग लियो, मुझे लगा बस साहिल रोना नहीं है। नहीं भाई नहीं, रोना नहीं है। चलो दाढ़ी दाढ़ी कुछ ना पाएगा ये। साहिल कह रहा अब जूते ले मेरे। आज तो मैं भी आ गई वैसी, मासी हमारी। हेलो मासी, दे दो प्राइज भी है। ये बच्चा लड़की आ गया।
वेलकम पार्टी तो हमने कर दी थी, हम प्रोग्राम भी तो बना रहे थे, तभी अचानक आया तो एक मिनट लेके आया पता भी नहीं हुआ था। हम वेलकम पार्टी करेंगे, बढ़िया सरप्राइज पार्टी होगी। मैं ये सोची थी कि कुछ बिजनेस के मैंने सबसे पूछा क्या हुआ क्या हुआ, तू आ जा बस तू आ जा, ये हार्ट टचिंग सरप्राइज था हमारे। मासी पूरा डाटा क्या ये है, पूरा अब ये बता सरप्राइज कैसा लगा। बहुत अच्छा, कह रहे ना हार्ट टचिंग सरप्राइज, हमने वेलकम पार्टी दे ली थी, हमारे बच्चे ने हमें सरप्राइज पार्टी दे दिया। अरे यहाँ पे हम फिर से आ चुके हैं मोमोज खाने, अबे पेट नहीं भरता क्या मोमोज से? तेरे फेवरेट है भाई, तू लेके आया ओ बार बार नाम लेके आ जाता है, बोलता है कि सोया मोमोज खाने से निकला है तो नाराज हो जाएगा। एक ना इनके झूठ बोलने की लिमिट होती है, जो हर बार लिमिट पार कर देते हैं। तुम मोमोज नहीं खिला रहे हो मेरे को। अबे यार भाई सुनो, एक्चुअली होता पता है क्या है, ये व्लॉग बनाता है इसके आता है एडिटिंग होती है। अच्छा, ये जो दिखाना चाहता है वो दिखाता है, हमारी आधी बातों को काट देता है। काट देता है ये। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है भाई, यही तो काम होता है एडिटिंग पावर। देख लो एडिटिंग पावर, अपनी बातें सारी काट देता है भाई। ये तो बात खाना मैं भगवान कसम, क्या कि मैं लेके आया मोमोज खाने के लिए। अभी न्यूट्री मोमोज किसने ऑर्डर किया अभी? ओए न्यूट्री मोमोज, सोया मोमोज। हाँ भाई, अबे भाई हद हो गई यार, मैंने कहा मंगाए अभी, तूने कहा अपडेट मिले सोया अलग करना। जाओ यार तुम मैश करो, जब तुम्हारी बात मैंने मान ली, अब जब तूने बोला तो मैं खा ही लूंगा। जाओ यार, पापा का भी रिएक्शन ले चुके हैं, लेने वाले है पापा आ चुके हैं। पापा से मिले ठीक है, मोमोज खाए थे तो यहाँ पे मम्मी कर रही है मुझे परेशान बहुत ज्यादा कि चलो मार्केट में, साथ थका पड़ा का बेटा। कोई बात नहीं, उधर मासी वगैरह सब है, बस छोड़ के आ जाइए बस मुझे। वाह, अपना काम निकालो फिर, मैं इतना यहाँ पे थका पड़ा हूँ, मेरे को आ रही थी नींद। चलिए चलो, बच्चों को नहीं कहेंगे तो किसको कहूंगी, मुझे बता। फिर मैंने सोचा कि चल यार छोड़ ही आता, मम्मी खाऊंगा परेशान होगी, अकेले बैठ जाएगी घर पे। नहीं तो मुझे फिर बैटरी रिक्शा पे जाना पड़ता। बैटरी रिक्शा पे जाना अलग पड़ता, ताने अलग पड़ते मुझे फिर, है ना। ये कौन बताएगा? नहीं, मैंने बोला, इसने कह दिया कि चलो मैं छोड़ के आता हूँ। यहाँ पे मम्मी को छोड़ दिया है, मम्मी मासी वाले सारे घूम रहे हैं, तो मैं जा रहा हूँ आराम से घर, मेरा काम हो गया खत्म। तो यहाँ मुझे कब से मांग से फोन करे जाते कि ऊपर आ जा, लक्की भाई दे रहे हैं गिफ्ट, क्योंकि आए कनाडा से भाई, अब तो NRI हो गए, तो नारा इंडियन। तो भाई सारी लाइट बंद हो गई यार, ये है सारे हमारे गिफ्ट। इसमें भाई मेरा वाला कौन सा है? तेरे लिए कुछ नहीं आया। नहीं है तो मैं व्लॉग बंद कर दूंगा फिर। आपका वाला सूटकेस से पड़ा है। अच्छा, अभी सूटकेस खुलेगा तो तुझे मिल जाएगा। आप नेक्स्ट ट्रिप में जाओगे अपनी, अच्छा, तो आपको उसमें मिल जाएगा। चलो बढ़िया, जब तक देखते ये सब क्या है भाई। ये दीदी, अब दीदी अभी तो ढूंढ रहे हैं उनका वाला पैकेज कौन सा है, इतनी जल्दी दी ये डलेगा दे देंगे, आपकी टर्न भी आ जाएगी अभी। ये है हमारी चाची जी। चाची जी, चलो जी, बैग ही बैग लेके घूम रहे जा रहे हैं। तो काम करता हूँ नहीं, आपके हाथ सुनो लक्की भाई, आपके हाथ में बैग है, सबकी शक्ल देखो कैसे चल रही है। जल्दी जल्दी अच्छा जी भाई, मैं आ गया नहीं, हम लड़के हैं जनाब, हमारे साथ ऐसे ही होता है। एक खोला भी, एक और खोला है। हमारी अच्छा। पूरी करो।
ये लक्की भाई लेते कनाडा से, क्या केक है ना ये, कुछ भी जो भी है। तो ये आते खत्म हो गए, ब्लॉग नहीं बना पाए, इतनी जल्दी खत्म हो गई। तो वो तो मेरे है, बाकी लक्की भाई ने हम सबको तो मतलब बच्चे बच्चों को भी दे रही है हमारे गिफ्ट। लक्की भाई पाजी गिफ्ट तो हमें मिल गया, बताने हैं वो थोड़ा पर्सनल है, अगर गिफ्ट देखना है तो वंशु का गिफ्ट देखना है। छोड़ यार गिफ्ट, आपका गिफ्ट जरूर देखना ऑडियंस को। ये दीदी अकेले अकेले अभी तो यहाँ पे तैयारी शुरू हो रही है, वो टेस्टिंग हो रही है, टेस्टिंग कि कैसा है। एक सेकंड, बाकी यहाँ पे पानी वाला रेडी हो चुके हैं, यहाँ रेडी हो रहे हैं, दीदी टेस्ट शुरू भी कर दिया अकेले अकेले। अब बताओ है कैसे, मैंने भाई मेरा बहुत देर से मन कर रहा। अब बताओ है कैसे, बढ़िया है, चलो खाने है। अरे ये है। तो ये हमारे घर वालों की सबसे अच्छी आदत, नीचे बैठ के आराम से खाने की सबसे बेस्ट है। दीदी का वहाँ भी कह रहे थे कि अंदर बैठ के खाएंगे, मैंने कहा नहीं सब खुले ढुले आराम से नीचे बैठ के, इसी में ये जब परिवार कुछ नहीं बैठ के इकट्ठे सब खाए तो सही बात है। ये सबसे वैसे अच्छी आदत है, मासी साइड नहीं दूंगा। मासी ने पहले अपनी जगह रखी हुई है। तो खाने के बाद यहाँ पे आ चुके सबसे बेस्ट चीज आइसक्रीम, एक है चॉकलेट आइसक्रीम और दूसरी कौन सी है, बटर स्कॉच। पार्टी लक्की भाई की तरफ से, नहीं मम्मी मम्मी मामी की तरफ से। सारे वेटिंग में आइसक्रीम की, भाई किस किस को खानी है आइसक्रीम, सबके हाथ खड़े हो गए। यहाँ तो यहाँ जा रहे पापा, पापा बाय बाय, मिलते हैं सीधा घर पे। ये डालूंगा अब, ये डालूंगा अब, ये डालूंगा, लग गई शर्त में पक्का डालूंगा। अबे चल ना जी ना, गारंटी डालूंगा। तो गाइस अब जा रहे हैं ये गिफ्ट पैकेजेस लेके घर पे। दीदी बाय बाय, बाय बाय दीदी, बाय बाय। आप यहाँ रखना, आपकी चीट लगेगी एक। चलो नहीं डाल रहा है, ऐश करो।